मैं क्या आप गवर्नर को बोलूँगा मेरा होटल मेंटेन करो? उसके पास रेवेन्यू आता है, लाखों नहीं करोड़ों रेवेन्यू आता है। पूरे चिनाब खत्ते में इतना रेवेन्यू कहीं नहीं आता जितना भद्रवाह अथॉरिटी के पास आता है। तो उसका फ़र्ज बनता है कि मैं जिस कुर्सी बैठ के जहाँ से मुझे इनकम आती है, जिससे मेरा रोजगार चलता है और जिससे बाकी लोगों का रोजगार चलता है, मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मन्हास। तो चलिए, मेरे साथ भद्रवाह के रहने वाले कुछ लोग हैं और इन्हीं से बात करते हैं। सर, आपका गवर्नर से मिलना हुआ किस बारे में और क्या ओहदा रखते भी हैं आप? हम शुक्रिया जम्मू परिवर्तन से, आपने हमें यहाँ पर चुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई है, बेसिकली हम टूरिज्म ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन से है, जिसमें हमारी होटल एसोसिएशन सब एक अम्ब्रेला है ये। तो हमारा जो रहता है मुद्दा टूरिज्म के बिहा पे रहता है। तो गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई तो अच्छा रिस्पांस मिला, जैसे उन्होंने आश्वासन दिया रोप वे चिनाब खत्ते में एक दो लगने हैं जिसमें भद्रवाह प्रायोरिटी में है, उन्होंने कहा वो हो जाएगा। उसके बाद कुछ फिल्म टूरिज्म की बात की, माल रोड सी फेस हमारा रहेगा, रिवर फेस सॉरी, उसका उन्होंने मान लिया है। जितनी भी हमारी डिमांड्स थी उसमें सबका उसे पब्लिसिटी चिनाब खत्ते की कैसे करनी है टूरिज्म के माध्यम से, वो सब उन्होंने मान लिया है। अब देखिए आगे क्या होता क्या है। आपने ये बात नहीं कही कि वहाँ पर बीडीए जो है खुलेआम कत्ल कर रहा है टूरिज्म का? मतलब इतनी सारी चीज़ें हमने पहले भी फिश पॉन्ड से दिखाने की कोशिश की दो हफ्ते पहले, मतलब क्या हालत है? जो बोट हैं साइडों पे पड़ी हुई हैं और वहाँ पर जो बढ़ावा देना चाहिए बीडीए, मतलब पुलडोडा से लेकर भद्रवाह तक, वो चीज़ें नहीं कर पा रही? देखिए सर, आप मुझे बताइए, एक चेयर रिस्पॉन्सिबल बंदा जहाँ बैठा होता है इतनी बड़ी डिग्री लेके, उसके इतना प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ पर, प्रधानमंत्री से बैठा है कुर्सी के अंदर, वो थोड़ी ऐसे बैठा जैसे हमारा ये छोटा एम्प्लॉय बैठा, उसको क्या करना है वहाँ पे? उसका काम है डेस्टिनेशन को अपनी जो इसके पास है उसको मेंटेन करना। मेरा होटल है, मैं क्या आप गवर्नर को बोलूँगा मेरा होटल मेंटेन करो? उसके पास रेवेन्यू आता है, लाखों नहीं करोड़ों रेवेन्यू आता है। पूरे चिनाब खत्ते में इतना रेवेन्यू कहीं नहीं आता जितना भद्रवाह अथॉरिटी के पास आता है। तो उसका फ़र्ज बनता है कि मैं जिस कुर्सी बैठ के जहाँ से मुझे इनकम आती है, जिससे मेरा रोजगार चलता है और जिससे बाकी लोगों का रोजगार चलता है, मुझे उसकी पूजा करनी चाहिए। आप नहीं चाहते कि मतलब इन ऐसी जैसी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन हो और वहाँ पर जिन लोगों ने टेंडर लिया है, एक ऐसे शख्स से मेरी बात वहाँ पे हुई, उसने कहा कि मैंने एक साल का 1,30,000 भर दिया, लेकिन संडे वाले दिन कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, पानी से स्मेल चलती है और लोग जो है बाहर जब निकलते हैं तो गाली देकर जाते हैं। जो भद्रवाह की पहचान है, जो नाम निशान है, वैसे लोग आपके वहाँ पर अगर घुस जाएं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हटा दें उनको? बिल्कुल, आप तो उनकी बात कर रहे हैं ना, हम अपनी बात करते हैं। मेरे पास बॉम्बे का ग्रुप आया, इनके पास कहाँ से था? बंगाल का था इनके पास भी। 6 बजे ये ग्रुप भेजते हैं नीचे गाठा लेक में और वहाँ ताला लगा है, ताला लगा था, टोटली बंद। मैं भेजता हूँ तो ताला लगा है, हम थक गए उनको बोल बोल के, भाई आप कुछ नहीं कर पा रहे। अब वो कहते हैं ये हमारी बदकिस्मती रही है, इसमें हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं कि कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर दिक्कत आ जाती है सबको। हम कहते हैं कोई भी ऑफिसर आए, बस भद्रवाह को नीट एंड क्लीन रखे, इसको जो सुंदर है इसकी स्वच्छता को कामयाब कायम रखे, बस यही हमारा कहना। हमें किसी ऑफिसर से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं जो भी ऑफिसर आए भद्रवाह रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सही चीज़ होगी वहाँ पर तभी कोई आगे। बदकिस्मती है हमारी, हम मान रहे हैं हमारी बदकिस्मती है, लेकिन किसको किसको हमारा जो बेसिकली हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, अपने छोटे छोटे गेस्ट हाउसेज बनाए हुए हैं, अभी मेरा होटल है, मेरे पास इतने ग्रुप आते हैं बाहर से, लेकिन जब हमारे पास कोई जगह नहीं है भेजने के लिए, फिश पॉन्ड भेजते हैं 5 बजे बंद हो जाता है, जबकि नियरेस्ट प्लेस हमारी फिश पॉन्ड है। फिश पॉन्ड एक ऐसा, लाइटें खराब है, लाइट नहीं है, जो लेक है लेक से बदबू आ रही है, कस्टमर जो जाता भी है अंदर बात के थ्रू उसको मिलता है टाइम अगर जाने का अंदर, तो वो क्या है उसको टाइम ही नहीं मिलता, गेट बंद होता है। मेन प्रॉब्लम हमारी गेट 5 बजे बंद हो जाता है। चलिए, ये भद्रवाह के रहने वाले तमाम लोग हैं और इन्होंने कहा कि हमारा डेलीगेशन जो है गवर्नर के पास गया था और उम्मीद करेंगे जो इनकी बातें हैं और जो चीज़ें हैं वहाँ पर जो है सही हो जाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास टोडा।